सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे हैं। ठीक है, तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी स्टार्ट कर रखी है, आज उसका लास्ट डे है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आज लास्ट बचती है। ठीक है, उसको हम अभी कवर अप करेंगे। जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके बाद जो आज से हम कल से हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड, जो बहुत ही आसान है और लगभग सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से बन जाने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम आराम से सीखेंगे हर बात को। जैसे आप लोगों को पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा के, ये बात हमने प्रूव की थी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आपने कहा ये चीज़ अगर वहाँ चली जाएगी तो हमारे सामने बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर किसके आ जाएगा, तो आपने कहा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या समझा आगे आगे आपने देखा कि भाई ये ए है, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और बराबर किसके आ जाएगा 1 के। ठीक है, फिर आपने देखा अगर ये चीज़ गुणा में है तो नीचे जाके भाग में चली जाएगी, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होगा 1/2 कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा के। उम्मीद है ये बात समझ पाए। अब इन्हीं आइडेंटिटी का या इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यूज करके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आइए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1/2 कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बराबर माइनस 1/sin थीटा है। ठीक है, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये बटा ये है, अगर मैं आपसे बोलूँ क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ये प्लस और ये माइनस भी तो लिख सकता हूँ। आपने कहा बात तो एक ही है, ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ यहाँ जाएगी, बात तो एक ही है। आप मुझे बताओ कि क्या मैं इस पूरी की पूरी चीज़ को ये नहीं लिख सकता, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी मैं इस बात को ये बात लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया क्या कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। आगे आपने क्या देखा, आपने देखा माइनस साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। तो आपने देखा कि भाई क्वेश्चंस को हमने बेहद आसानी से सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व कर दिया कि भाई कोसिकेंट से कोसिकेंट खत्म हो गया, क्या बच गया, तो हमारा आंसर बच गया कोट। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, कोट थीटा। उम्मीद है बात आप समझ पाए। आइए फिर से आगे देखते हैं। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए कि कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा सॉरी कोसिकेंट माइनस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर किसके होता है 1 के। इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। देखो आगे आपने क्या देखा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये एक ही बचेगा। मैंने लिख दिया सेकेंड थीटा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करता हूँ तो ये साइन है, ये सिकेंट है, सिकेंट का उल्टा 1/cos होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन बाई कोस नहीं हो जाएगा, और साइन बाई कोस क्या होता है, तो आपने सीखा होगा सिकेंट टेंजेंट थीटा होता है। भाई इस बात को फिर से समझो, ये सिकेंट है, सिकेंट का उल्टा 1/cos, 1/cos इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन बटे कोस का मतलब क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। अच्छा, गुणा में अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने देखा भाई कोसिकेंट थीटा हो जाएगा माइनस का, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर कोस है, कोसिकेंट का उल्टा 1/sin होगा, जब 1/sin इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस बटे साइन क्या होता है। आपने कहा कोट थीटा होता है, मैं एक बार करके बता देता हूँ। देखो ऐसे था नहीं, कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ 1-cos थीटा के। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कोस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। आप मुझे बताओ कोसिकेंट थीटा को क्या मैं 1/sin ही लिख सकता, तो आपने कहा लिख सकते हैं, और कोस बटे साइन क्या होता है, तो आपने कहा टेंजेंट हो सकता है। तो आपने कहा कोसिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो, ये जो बन गया कोसिकेंट थीटा माइनस क्या बच गया, टेंजेंट थीटा बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल दिया, कोस का उल्टा क्या होता है भाई, सॉरी कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, कोट थीटा। आगे बढ़िए,
अब आगे जो चीज़ गिवन है वो तो लिख ही रखी है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में भाई इसके मतलब पूरा ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ये लिख देता हूँ, सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में कर देंगे, हो जाएगा कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा। आप मुझे बताओ ये सारी चीज़ गुणा में है ठीक है, तो भाई सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बराबर किसके होता है वन के, ये बात हमने लास्ट क्लास में जानी थी। और अभी मैंने क्या सीखा था कि कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा गुणा में कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा ये क्या होता है, ये भी वन होता है। तो वन की वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या जाएगा, तो आपने कहा वन आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि भाई इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इसके साथ मिलके वन बना देगा। यहाँ पे इसके साथ कोसेकेंड थीटा माइनस ये आ जाएगा कोट थीटा और ये इसके साथ मिलके वन बना देगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। उम्मीद है आप बात समझ पाए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन है कि कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है हमारा थ्री प्लस टू रूट टू। हमें जो निकालना है वो निकालना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। बहुत आराम से आपको समझना है, देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा एक बटे तीन प्लस टू रूट टू। और ये बात आपको अलजेब्रा में सिखाई जाएगी कि तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, नौ, दो दुनी चार दुनी कितना हो जाएगा आठ, अंतर कितने का एक का, तो हम जस्ट इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे तीन और यहाँ पे टू रूट टू, और अगर ये बीच में प्लस का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का। आप ये बात नहीं समझ में आए तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ये आ जाएगा इतना और नीचे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा इतना, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस करके दोनों तरफ ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ कर दिया, इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाना है, जब इस किसके साथ करोगे तो तीन का स्क्वायर नौ प्लस माइनस, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर नौ माइनस में बी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आठ, नौ में से आठ गया बच कितना गया एक, तो इसका मतलब ये आ गया। यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, जब भी मैं इनको जोड़ देता हूँ तो ये ख़त्म हो जाना है, ठीक है। अगर ये ख़त्म हो जाना तो यहाँ पे एक और एक कितना हो जाएगा, तो आपने कहा टू कोसेकेंड थीटा हो जाएगा, टू कोसेकेंड थीटा कट के कितना हो जाएगा, अच्छे यहाँ से कोसेकेंड थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो आपने कहा तीन आ जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है आगे बढ़िए। आपने कहा अगर ये तीन है तो सभी बच्चे जानते हैं कोसेकेंड थीटा क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है वन। अब देखो ध्यान से, कोसेकेंड थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस और यहाँ पे क्या आता है परपेंडिकुलर, तो आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। अगर आप ट्रायंगल बना लेंगे तो ये हाइपोटेनस है ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अंडर द रूट एट, ये हमने क्या ले लिया थीटा, और अंडर रूट एट क्या होता है टू रूट टू होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस क्या पूछा भाई कोस थीटा, समझ पा रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी एक बटा तीन। कोस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो आपने कहा हो गया टू रूट टू और बटे कितना आ गया तीन। इसका आप सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा तीन, ऊपर क्या आ जाएगा वन प्लस टू रूट टू, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा वन प्लस टू रूट टू बाई थ्री। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आराम से सीखेंगे बहुत आराम से, ठीक है। कोसेकेंड की पावर फोर अल्फा बराबर सत्रह प्लस कोट की पावर फोर अल्फा, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है और हमें जो निकालना है, अगर ये दे रखा है इफ देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन, फाइंड साइन अल्फा किसके बराबर होगा, ठीक है। बहुत आराम से इस बात को समझेंगे बेहद आसान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ अगर ये प्लस है तो यहाँ जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया कोसिकेंट की पावर चार अल्फा माइनस की कोट की पावर फोर अल्फा और बराबर किसके आ गया, आपने कहा सत्रह के बराबर आ गया, क्या ये बात आप समझ पाए, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इस पावर चार को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसकी पावर दो और इस पूरे की पावर दो,
ऐसे ही मैंने इस पावर चार को मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया दो, और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगी? तब तो आपने कहा दो। क्या ये बात आप समझ पाए? आप मुझे बताओ, क्या ये पूरा ए नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये पूरा बी नहीं है? बिल्कुल है। तो आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि ए की पावर दो माइनस बी की पावर दो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए प्लस बी। ये बात तो हमने जानी थी, ठीक है। तो इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट के स्केयर अल्फा प्लस कोट का स्केयर अल्फा इंटू कोसिकेंट की दो अल्फा माइनस कोट की पावर दो अल्फा, और बराबर किसके आ जाएगा, 17 के। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? आगे आपने क्या सीखा? आगे आपने सीखा कि कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा माइनस कोट स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर होता है? आपने कहा 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये तो आप पहले से जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब ये तो गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर ये यहाँ से गायब हो गया तो यहाँ पे बचा कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा प्लस कोट स्क्वेयर अल्फा बराबर किसके आ गया, 17 के आ गया भाई। इतना ही बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना है क्या कि भाई कोसिकेंट की पावर दो अल्फा माइनस कोट की पावर दो अल्फा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। ये बात जानी थी। अब देखो काट दो, ये और ये कितना हो जाएगा, 2 कोसिकेंट की पावर दो अल्फा बराबर कितना होगा, 17, और ये कितना हो गया, 18। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। स्क्वेयर वाजा के रूट हो जाएगा। तो आपने कहा कि भाई कोसिकेंट थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। हमें बताना क्या है, हमें बताना साइन अल्फा, ये थीटा नहीं अल्फा भैया। तो आपने कहा कि भाई कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन होता, तो ये प्लस माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 1/3, ठीक है। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जो वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो एक और अलजेब्रा का हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जाना था, उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। एक लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन बताया था, लास्ट से लास्ट क्लास थी, सिकेंड थीटा बराबर शायद था ये 8x, और टेंजेंट थीटा का जो मान था ये हमारा था 1/8x। तो आप सभी को पता होता, स्क्वेयर करके जोड़ देंगे, सॉरी स्क्वेयर करके घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 64x² - 1/x² के, ठीक है। लेकिन हमें प्लस लगाना था, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, क्या था ये 64x² - 64x² लेकिन यहाँ पे प्लस था। एक बात ध्यान से समझना है, आप लोगों को अलजेब्रा में बता रखा है कि इफ़ एक्स प्लस 1/x अगर पी के बराबर है ना, और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x - 1/x, तो वो क्या होता है, अंडर द रूट इसका स्क्वेयर करके। देखो अगर प्लस से माइनस पे आए हैं तो -4 कर देंगे, अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए इफ़ एक्स माइनस 1/x इजिकल टू पी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन एक्स प्लस 1/x, देन इट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्क्वेयर ऑफ पी, एंड यू कैन सी हियर, हियर इज अ साइन ऑफ माइनस। इफ़ यू आर कन्वर्टिंग द साइन ऑफ माइनस इन टू प्लस, देन यू हैव टू साइन प्लस, ऑल राइट, एंड देन 4। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्लस से माइनस पे गए अंडर रूट स्क्वेयर करके माइनस कर दिया, माइनस से प्लस पे गए पी का स्क्वेयर करके और पूरे का अंडर रूट, और यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरा का पूरा मैं इसको एक्स नहीं या फिर वाई नहीं मान सकता, क्या मैं इसको पूरा का पूरा वाई नहीं मान सकता? यानी हमारे पास जो गिवन है वाई माइनस 1/y, और ये बराबर, ये पूरा किसके बराबर था, तो आपने कहा 1 के बराबर था, ये पूरा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर हमें प्लस में जाना है, वाई प्लस 1/1 में जाना है, तो आप मुझे बताओ एक का स्क्वेयर करके 4 नहीं जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √5 नहीं आ जाएगा भाई? इस बात को मतलब ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज करना है, क्योंकि ये पूरा मैंने वाई मान लिया, फिर आप मतलब ये पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने छोटा बनाने के लिए वाई मान लिया। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए। अब ऐसा क्यों होता है ये तो हम अलजेब्रा में सीख लेंगे, ठीक है। तो भाई आज की क्लास इतना ही, सभी बच्चों को थैंक यू।